भाई लोग बात करते हैं स्त्री टू मूवी को लेकर। यहाँ इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी आज के लेटेस्ट डे क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर कर आई। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे मूवी को लेकर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूँ कि मूवी जब से रिलीज़ हुई है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो ब्रेक करती जा रही है, लेकिन इसी के साथ बहुत सी मूवीज़ के रिकॉर्ड इसने ब्रेक अभी तक कर दिया है। हालांकि प्रीवियस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि KGF चैप्टर 2 का इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। जी हाँ, वन डे का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ओवरऑल तो ये कभी नहीं कर पाएगी। अगर उसके अलावा हम बात करें तो आज के डे इसने एनिमल मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जी हाँ, आपको पता है कि इंडिया में मूवी तकरीबन एनिमल ने 500 करोड़ आलमोस्ट कमाए थे, वर्ल्ड वाइड 650 करोड़। अब इसमें बात करें तो ये मूवी आलमोस्ट रणबीर कपूर की जो एनिमल है उसको बीट करने में लगी हुई है। मूवी ने आलमोस्ट अगर हम बात करें कि कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, तो भाई लोग इसने तकरीबन 550 करोड़ प्लस की तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन, सबसे पहले इस डे की बात करते हैं, इस डे हम इस मूवी ने आलमोस्ट डे 70 तकरीबन इतने डे पर इस मूवी ने तकरीबन अपने पता नहीं कितने और ब्रेक्स कर देने हैं रिकॉर्ड। अगर हम लेटेस्ट डे यानी कि आज की बात करें तो इस मूवी ने आलमोस्ट 25 से 30 करोड़ कमा लिया है, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ जो आलमोस्ट उसका इंडिया से है और वर्ल्ड वाइज 30 करोड़ है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट डे की हम प्रिडिक्शन भी करने पर जाएँ तो ये मूवी तकरीबन 12 से 13 करोड़ इंडिया से कमाने वाली है, ओवरऑल में तकरीबन 20 करोड़ ये कमाएगी। ये चीज़ 100% कन्फर्म है। देखो भाई लोग, जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है इसके साथ ही वेदा और खेल खेल में भी रिलीज़ हुई थी, लेकिन अभी तक उन मूवीज़ का कुछ अता पता ही नहीं मूवीज़ की क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, क्योंकि मूवीज पिट गई हैं, इनके शोज़ भी ख़त्म होने वाले, आलमोस्ट ख़त्म भी हो चुके हैं। देख ले, अक्षय कुमार के करियर में ये मूवी एक थब्बा साबित हुई खेल खेल में। अभी तक इस मूवी का कुछ ऑफिशियल नहीं है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, हिट हुई है या फिर एवरेज रही है, कुछ भी नहीं पता अभी तो। इसका ये भी यकीन नहीं कि मूवी ने अपना जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी कवर किया है कि नहीं, लेकिन स्त्री टू मूवी ने ये चीज़ साबित कर दी कि कंटेंट के दम पर ये मूवीज़ कुछ भी कर सकती है, चाहे जिस तरह भी हो। लेकिन भाई लोग, जब कंटेंट अच्छा है ना तो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर होकर ही रहती हैं।